हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और अगर गलती से भी दुनिया में मौजूद कोई भी इन 8 पॉइंट्स को ब्लॉक, कंट्रोल या चोक करने की कोशिश करेगा तो 99% श्योर वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा। 28 जून 1919, एलाइड पावर्स यूके, फ्रांस, अमेरिका और इटली और सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया के बीच ट्रीटी ऑफ वर्सेलस साइन होता है। इस ट्रीटी के मुताबिक सेंट्रल पावर कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए थे, उन्हें पूरी युद्ध की भरपाई एलाइड पावर्स को देनी थी। मतलब इस समझौते के साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ था। और जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था पर जो असर पड़ा था वो दूसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को आग देने का रूप देने वाला था। और ये चिंगारी लगी क्योंकि वर्सेलस ट्रीटी के हिसाब से जर्मनी को 1921 में $33 बिलियन की भरपाई करनी थी। मतलब अगर आज के तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 42 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। अब एक तरफ जहां पर जर्मनी को ये रकम की भरपाई तो करनी पड़ ही रही थी, लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ जब तक ये ट्रीटी साइन नहीं हुई थी तब तक जर्मनी के मैरिटाइम बाउंड्रीज एलाइड पावर्स के कंट्रोल में थे। मतलब एक तरफ जर्मनी के सारे पैसे भरपाई में जा रहे थे और दूसरी तरफ जर्मनी क्लोज्ड मैरिटाइम बाउंड्रीज की वजह से ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था। और अगर किसी एक देश ने दूसरे देश का ट्रेड ही कंट्रोल कर लिया तो समझ लो उस देश ने पूरा देश ही कंट्रोल कर लिया। अब अगर देखा जाए ना तो ये सेंचुरी से भी पुरानी बात आज के समय में भी इक्वली जायज है। किसी देश को अगर घुटनों पर लाना है ना तो उस देश के ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना जैसा देश आज की तारीख में भी यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, जिसे आप बेहतर जानते होंगे चाइना एंड इट्स डेट ट्रैप्स के नाम से। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अलावा एक सबसे कॉमन और इफेक्टिव तरीका है समुद्री चोक पॉइंट्स पर अपनी कड़ी पकड़ बना लेना, क्योंकि आज भी पूरे विश्व का ट्रेड समुद्री रास्तों से ही होता है। और इसीलिए अगर किसी भी पॉइंट को चोक किया मतलब ट्रेड रुका, और ट्रेड रुक गया तो देश गिरेगा। और अगर कोई भी सुपर पावर देश गिरा तो गिरते वक्त, वो चोक होते वक्त इतना पॉलिटिकल वेनम स्प्यू करेगा कि वर्ल्ड वॉर पक्का होगा। सो सुपर पावर का गिरना इज इक्वल टू बिगेस्ट पोटेंशियल फॉर वर्ल्ड वॉर 3। और ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इन चोक पॉइंट्स पे कब्जा करने की वजह से। लेकिन क्यों? वेल, आइए एक केस स्टडी को समझते हैं। जनवरी 2020 में एक एक्चुअल वर्ल्ड वॉर होते होते बच गया था। वेल, इस सिचुएशन की कहानी कुछ यूं है कि 3 जनवरी 2020 में अमेरिकन ट्रूप्स ने ड्रोन स्ट्राइक से एक ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने इराक में बसे अल असद अमेरिकन एयरबेस पर मिसाइल्स की बरसात करा दी। और अब इन मिसाइलों की होली को देखकर आप समझ ही गए होंगे इन देशों के आपसी संबंध कितने उलझे और भड़के हुए थे। इनफैक्ट ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि 2020 में जो ये इतना बड़ा कांड हुआ था ना, वो बस इस छोटी सी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस पर अपना दबदबा बनाने के लिए हुआ था। वेल, अब अगर हम इन टोटल 8 चोक पॉइंट्स को देखें ना, तो इनमें से मेजरली स्ट्रेट्स हैं। स्ट्रेट्स बेसिकली समुद्र के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्र को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश इंडिया और श्रीलंका के बीच बसे पाक स्ट्रेट को ही ले लो। ये स्ट्रेट लैक्कडाइव सी और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है। और क्योंकि ये स्ट्रेट्स दो बड़े हिस्सों को जोड़कर एक नेचुरल रास्ता बनाते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता है। मगर इनके काफी नैरो होने की वजह से इन पर एक चोक पॉइंट बनने का खतरा हमेशा मंडराते रहता है। क्योंकि अगर इतने पतले रास्ते से बहुत सारे देशों के गुड्स को लेकर कोई कार्गो शिप गुजरती है तो समुद्री डाकू, तूफान और एक्सीडेंट्स जैसे चीजों का खतरा हमेशा रहता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपका एक मिनट चाहूंगा टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं हाल ही में रिसर्च कर रहा था कि मैं कैसे अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूं। अब हर कोई आजकल कहता है कि हमें पैसे मार्केट में डालना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर क्रिप्टो वगैरह। लेकिन यार, ये सब समझने के लिए टाइम और रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए सच बताओ तो मेरे पास टाइम यूजुअली नहीं होता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी के दो शब्दों पर रिस्क उठाकर पैसों को गलत जगह पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसों को इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा जो अच्छे रिटर्न्स के साथ ही मार्केट में होने वाले अप्स एंड डाउन्स के भरोसे पर ना रहे। और मुझे एक ऐसा ऐप मिल चुका है जो मेरी इन समस्याओं का हल लेकर आ गया। ऐप का नाम है स्मॉल केस। और इस ऐप पर आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो एंश्योर करता है कि आपको गुड रिटर्न्स मिले इन द लॉन्ग रन, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स एज वेल। आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, ये आप लोग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा है कि मैंने किसी सेफ, सिक्योर एंड स्टेडी प्लेटफॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया और ना ही 25 दिन में पैसा डबल करने वाले प्लेटफॉर्म पर। तो मेरी एडवाइस है कि आप भी स्मॉल केस के ऑल वेदर इन्वेस्टिंग प्लान के साथ अपने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर दो। अभी डाउनलोड करो स्मॉल केस ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो नेचुरली यहां पर यह सवाल आता है कि अगर ये चोक पॉइंट्स इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं तो फिर आज भी क्यों देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? वेल, इसके तीन मुख्य रीजन है। सबसे पहला है इजियर ट्रेड। पूरे दुनिया का एक मशहूर चोक पॉइंट है सुएस कैनाल। इससे पहले हमने इंडिया और श्रीलंका, ये दो देशों के ट्रेड की बात की थी, बट सुएस कैनाल दो कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप के बीच के ट्रेड को आसान बनाता है। सो यू कैन इमेजिन इस पतली गली का ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस क्या होगा।
अब इससे पहले यानी जब ये नहीं था तो यूरोपियन या फिर एशियन जहाजों को अफ्रीका से घूमकर यूरोप या फिर एशिया जाना पड़ता था। और सुएस कैनाल के बनते ही ना सिर्फ समय की बचत हुई बल्कि पैसों और खतरों की मात्रा भी कम हो गई। रीजन नंबर टू जिसकी वजह से स्ट्रेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो है जियोपॉलिटिकल सुपीरियरिटी। जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है जिसमें किसी एरिया की जियोग्राफी की वजह से कैसे वहां की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होती है ये देखा जाता है। और जैसे कि हमने कुछ ही समय पहले जाना, अगर किसी देश के ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है तो उस देश को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर वो पकड़ वो कंट्रोल एक देश की सीमा से कोसों दूर किसी दूसरे देश के इलाके में हो तो उस देश की वट यानी कि हेजिमनी पूरे दुनिया पर छाई हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल यूके को ही देख लो, यूके आज भी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो स्पेन और मोरक्को के बीच में आता है उसे कंट्रोल करता है। एंड नाउ फाइनली रीजन नंबर थ्री जिसके वजह से ये स्ट्रेट्स यूज होते हैं वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। समुद्र का सफर तय करने में और जमीन से सफर तय करने में काफी फर्क होता है। समुद्र में काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें से नेविगेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इन पॉइंट्स का यूज होता है ताकि जहाज जल्द से जल्द एक जमीन ढूंढ सके। अब हमने इन स्ट्रेट्स के इंपॉर्टेंस को तो देख लिया, लेकिन इनके वजह से आखिर वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकता है? वेल आई डोंट नो, मे बी बिकॉज कंट्री डूब जाएगी। मतलब अगर हम इन चोक पॉइंट्स को ना दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसमें दो चोक पॉइंट्स मेजरली ऑयल ट्रेड के लिए फेमस हैं और दूसरे दोनों जियोपॉलिटिक्स के लिए। आज के तारीख में एनर्जी का टॉप कंट्रीब्यूटर ऑयल है, इनफैक्ट पूरे दुनिया की 1/3 पावर ऑयल से जनरेट की जाती है। और इस काले सोने को लेकर दो चोक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जहां से ऑयल आता है और दूसरा जहां ऑयल जाता है। सो जहां से ये ऑयल निकलता है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तो मैं आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, लेकिन दूसरी जगह जहां पर ये ऑयल आता है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका। अगर मैं आपको हॉर्मूज स्ट्रेट का एक इंपॉर्टेंस बताऊं ना तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, यानी ईरान ओमान और यूएई जहां पर मेजरली ऑयल निकलता है और एक्सपोर्ट होता है उसे इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। अब आप मानोगे नहीं बट इस रास्ते से रोजाना का 3.3 बिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल का ट्रेड होता है। इनफैक्ट वर्ल्ड की 15% एनर्जी इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन एक तरफ जहां पर हॉर्मूज स्ट्रेट से ऑयल निकलता है वहीं दूसरी ओर उस ऑयल का सिर्फ 76% ऑयल मलाकन स्ट्रेट तक पहुंचता है। अब इस स्ट्रेट का इंपॉर्टेंस आप ये सुनकर बस लगा ही सकते हो कि चाइना जापान और साउथ कोरिया जैसे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स को यहां से ऑयल जाता है। So, जब इतनी छोटी छोटी जगहों पर इतने बड़े बड़े नंबर्स दाव पर लगे तो आप समझ सकते हो इस जगह का इंपॉर्टेंस क्यों है। और यही वजह है साल 2020 में हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुका था। मगर ये तो सिर्फ दो ही चोक पॉइंट्स थे, अगले दोनों पॉइंट्स जिनके वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है वो जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स के लिए सबसे जरूरी चोक पॉइंट्स में से दो है सुएस कैनाल और पनामा कैनाल। अब सुएस कैनाल से तो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं जब पिछले साल एवर गिवन शिप सुएस कैनाल में अटक गई थी पूरी दुनिया में मानो हाहाकार मच गया था। पूरे वर्ल्ड का एनुअल ट्रेड 0.2 से 0.4% से डेली कम हो रहा था, यानी कि लगभग 78.1000 करोड़ रुपीस का डेली घाटा हो रहा था। और सुएस कैनाल के बाद अगर हम पनामा कैनाल की बात करें तो इकलौता ऐसा रास्ता है जो अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है। आज इसी की वजह से शिप्स को 8300 किलोमीटर का ही सफर तय करना पड़ता है, और ये अगर नहीं होता तो शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका घूमकर 20900 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। और अगर हम पनामा और सुएस कैनाल को ग्रुप कर दें तो ये दोनों वर्ल्ड ट्रेड में 18% का हिस्सा देते हैं। और अब जरा आप ही सोचिए कि अगर सुएस कैनाल के रास्ते में एक एक्सीडेंटल ब्लॉकेज खड़ा कर दिया जाए तो इतना बड़ा हाहाकार मच सकता है, तो अगर उसे जानबूझकर कैप्चर कर लिया जाए तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं शुरू हो सकता क्या? वेल मेबी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके विचार इससे थोड़े हटकर हैं, जैसे कि यूएस नेवल वॉर कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर मिलान वीगो। उनका कहना है कि आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बढ़ते डेवलपमेंट ने चोक पॉइंट्स की अहमियत को कम कर दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स दो तरीके के होते हैं, पहला नैरो वाटर्स में जैसे कि स्ट्रेट्स और दूसरा है ओपन ओशन कॉन्फ्लिक्ट्स। और आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल बना पा रही है कि देश ओपन ओशन से भी आसानी से वार कर सकते हैं, और इसीलिए इसका मतलब कि चोक पॉइंट्स को कौन कंट्रोल करता है ये असल में मायने नहीं रखता। लेकिन मायने जो चीज रखती है वो ये है कि असल में समुद्र को कंट्रोल कौन करता है। Well, अब आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं या फिर ये बस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं? Well, लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ माई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।